अबू अब्दुल्ला पूछते हैं, अक्सर लोग जुमा को एक दूसरे को जुमा की मुबारकबाद देते हैं, आमने सामने भी, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर भी। ये एक नया दिन बनता जा रहा है, बराए मेहरबानी इसके बारे में कुछ फरमा कर मुखलिसीन और सालिहीन की रहनुमाई फरमा दी। भाई अबू अब्दुल्ला, अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे, आपने एक अच्छे मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। आजकल जुमा मुबारक का रिवाज चल पड़ा, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, ये पूरी लाइन हमारी व्हाट्सएप की भरी हुई होती है और मैसेज की और इनबॉक्स की भरी हुई होती है, एसएमएस की। मैं हैरान हो जाता हूँ, ये रिवाज सहाबा कराम के दौर में नहीं था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में नहीं है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा के शागिर्द ताबईन, जो इस उम्मत के बेहतरीन तबके का दूसरा हिस्सा है, उस तबके में ये रिवाज नहीं है। जिस तीसरे हिस्से को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं यूँ मौजूद, ये उनमें नहीं है, मौजूद नहीं है, शरीयत का हुक्म नहीं है, जुमा मुबारक के अहकामात किताबों में मौजूद नहीं है। तो ये आपने कहाँ से ले लिया? एक बंदा मुझे कहने लगा, मैं तो वैसे दुआ दे रहा हूँ अल्लाह आपके लिए जुमा मुबारक करे। मैंने कहा ठीक हो गया, आपकी दुआ इस हद तक तो जायज़ है, लेकिन अगर आपने इसका रिवाज यूँ पकड़ लिया है ना, तो कल जुमा मुबारक को, यानी कल से मुराद एक सदी बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद जाकर लोग दीन का हिस्सा समझना शुरू हो जाएंगे। बिदत होती ही ऐसे है कि शुरू में वो दीन का हिस्सा नहीं होती, वो बेदीनी को दीन बनाया जाता है। गैर साबित शुदा मसले को मसले शरीयत बना देना ये बिदत है, और साबित शुदा मसले का इनकार कर देना इल्हाद है। हमारा ऐलान है, न हम इल्हाद वाले, न हम बिदात वाले, न दीन में कमी वाले, न दीन में इजाफा वाले। इजाफा बिदात कहलाते हैं, कमी इल्हाद कहलाते हैं। देवबंद वालों का ऐलान है, न हम इल्हाद वाले, न हम बिदात वाले, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले। क्या माना? हम दीन को असली शक्ल में लेकर चलेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसी वजह से जुमा मुबारक की रिवाज जो चल पड़ा है, इस रिवाज से परहेज करनी चाहिए, इससे गुरेज करनी चाहिए, इससे एतराज करना चाहिए। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً।